बीते दिनों थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत फ्लैट में चौथी मंजिल से गिरने पर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पहले जेल भेजा था, जिसमें 2 आरोपी वांछित चल रहे थे, जिनको पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला की फ्लैट के चौथे मंजिल से फेंक कर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हत्याकांड से पुलिस महत्व विनय हड़कंप मच गया था। घटनाक्रम की जानकारी होते ही पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए थे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गए थे। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों को पहले जेल भेजा था, जबकि 2 आरोपी घटनाक्रम में वांछे चल रहे थे, जिनको पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य थे, उसके आधार पर इन 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में नए तथ्य आएंगे उसके क्रम में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया, ये पूरे घटनाक्रम में कई बार सुसाइड नोट प्राप्त हुए थे। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने घटनाक्रम के दूसरे दिन ही 3 आरोपियों को जेल भेज दिया था, जबकि 2 आरोपी पूरे प्रकरण में वांछित चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।